नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, और जो कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं किसी भी देश के। और ये वीडियो मैं खास तौर पर जो प्रशांत जी हैं उनके कहने पर बना रहा हूँ। इन्होंने लगातार पिछली बहुत सारे वीडियो में कमेंट किया है, जो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है, साथ में जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके कंपैरिजन को लेकर, और उनके ऊपर जो फाइटर जेट ऑपरेट किए जाएंगे उनके भी कंपैरिजन को हम इस वीडियो में जानेंगे, और पूरी डिटेल से हम दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर और इनके फाइटर जेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, और साथ में पता लगाएंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा क्वालिटी रखता है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ या पोस्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं INS विक्रांत इसे की। बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा, और इसकी जो कॉस्ट है वो 3.13 बिलियन US डॉलर है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और ऑपरेटर इसे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। डिस्प्लेसमेंट है इसका 44,000 टन, और लेंथ है इसकी 262 मीटर, बीम है इसका 62 मीटर, और डेप्थ है इसका 25.6 मीटर। और इंस्टॉल्ड पावर की बात करें तो देखिए, इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक के इसमें LM2500 गैस टर्बाइन्स इसमें लगे हैं, जो कि इसे पावर देते हैं। और बात करें इसकी रेंज की तो देखिए दोस्तों, ये 15,000 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से जा सकता है, और कहीं पर भी ये बड़ी आसानी से हमला कर सकता है, जो इसके मतलब कि 15,000 किलोमीटर के अंडर इसके जो भी एरिया आता है। और क्रू की बात करें तो ये अपने साथ 1449 क्रू को ये अपने साथ ले जा सकता है, और सेंसर इसमें ALTA EL2248 MF स्टार मल्टी फंक्शनल इसमें सिस्टम लगा है। और साथ में वहीं पर हम बात करें चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि शैडोंग की, तो देखिए इसे बनाया गया है डेलियन शिपयार्ड जो इंडस्ट्री है चाइना की उसके द्वारा, और इसके प्रोग्राम कॉस्ट के ऊपर अभी कोई डिटेल जो चाइना की तरफ से नहीं दी गई है, और ऑपरेटर इसे पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी इसे इस्तेमाल करती है, और डिस्प्लेसमेंट इसका 55,000 टन का ये भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि INS विक्रांत से ज़्यादा है। और लेंथ की बात करें इसकी 315 मीटर है, बीम की बात करें तो बीम है इसका 75 मीटर, यानी कि देखिए दोस्तों, ये जो भारत का INS विक्रांत है उससे ये बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसके ऊपर भी मैं आपको लास्ट में एक थोड़ी सी थ्योरी बता दूंगा कि क्यों ये इतना बड़ा और क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है। और बात करें इसके प्रोपल्शन की तो देखिए, इसमें कन्वेंशनल स्टीम टरबाइन लगे हैं, और रेंज और क्रू की इसके ऊपर अभी कोई डिटेल नहीं है, हालांकि जो रेंज इसकी होगी वो 15,000 प्लस, और क्रू वो भी 1500 प्लस इसमें रहने वाले हैं। सेंसर की बात करें तो टाइप 346 और साथ में 346A बैंड ASR टाइप, और साथ में इसमें 382 ASR डार भी लगाया जाएगा। और वहीं पर हम बात करें दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के वेपन्स के बारे में, तो देखिए जो भारत का INS विक्रांत है उसके वेपन्स की अगर देखा जाए तो उसमें 4 ऑटोब्रेडा 76 जो MM कैनन लगा है, जो कि किसी भी छोटी मोटी शिप को मतलब कि या उसके ऊपर जो क्रू ऑपरेट करते हैं उनको बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। और ब्राक 8 और ब्राक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसमें लगे हैं, और AK-63 CIWS इसमें सिस्टम भी लगे हैं। तो वहीं पर हम बात करें चाइना के जो मतलब कि शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके वेपन्स के बारे में, तो इसमें 3 टाइप 1130 CIWS और साथ में 3 HQ-10 जो सरफेस मिसाइल सिस्टम है वो इसमें लगा है। और एयरक्राफ्ट की बात करें तो देखिए, जो भारत का INS विक्रांत है उसके ऊपर अभी मतलब कि ये क्लियरेंस नहीं दिया गया है, ना तो नेवी की तरफ से और ना सरकार की तरफ से, कि इसके ऊपर कौन से एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाएंगे। हालांकि चांसेस ये है कि अगर भारत MMRC में राफेल को चुनता है तो इसके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि जो नेवी का टेंडर है उसमें भी जो एयरक्राफ्ट हैं वे राफेल ही होंगे। अगर भारत मान लीजिए अगर वही 57 अलग से टेंडर खरीदता है तो उसमें MiG-29 के की बहुत ज़्यादा आशंका है, तो उस बात को छोड़ते हैं। तो जो INS विक्रांत है वो 35 से 40 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकेगा, जिसमें से 26 फिक्स्ड विंग MiG-29 के और 10 कमाओ K-31 और वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और सी किंग हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर इसमें शामिल रहेंगे। 35 से 40 टोटल एयरक्राफ्ट अपने साथ ले जा सकता है, और ये मतलब कि पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश के लिए तो बहुत है, हालांकि जो भारत का इंडियन ओशन रीजन है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर हम बात करें चाइना के शैडोंग की, तो देखिए इसमें एयरक्राफ्ट ये टोटल 44 एयरक्राफ्ट अपने साथ कैरी कर सकता है, जिसमें से 32 शेंजियांग J-15 जो कि रशियन Sukhoi-33 की कॉपी है, और 8 अपने साथ चेंगदू Z-18 और 4 हार्बिन Z-9 ये अपने साथ हेलीकॉप्टर्स को ले जा सकता है। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़ा है, तो ऐसे में भारत के लिए चिंता का विषय ये बन सकता है। तो देखिए,
इसके दो पहलू हैं। अगर आप देखा जाए कि मतलब कि जो कंपैरिजन में, तो इस हिसाब से तो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बड़ा भी है और वो ज्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, लेकिन जो चाइना है वो टारगेट करता है अमेरिका को, वो टारगेट मतलब अमेरिका को टारगेट करते हुए वे अपने हथियार बनाते हैं, तो उनके हथियार भारत के हथियारों से बड़े होते हैं, हालांकि उनकी क्वालिटी भारत के हथियारों से बहुत ज्यादा मतलब कि थर्ड ग्रेड की होती है, लेकिन ऐसे में भारत केवल इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाने के लिए अपने जो वेपन्स है उनको अभी मतलब बनाता तो है। इस हिसाब से जो भारत का INS विक्रांत है वो भारत के लिए एक अच्छा मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें कोई खराबी नहीं है, भले ही वो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटा हो, क्योंकि भारत को केवल इंडियन ओशन में अपने जो क्षेत्र है उसको बचाना है। भारत का मतलब ये नीति नहीं रही है कि भारत दूसरे देशों के सीमा के पास जाकर या तो सेंध लगाए या मतलब दूसरे हरकतें करे, हालांकि आने वाले समय में अगर भारत को एक महाशक्ति बनना है तो ये सब तो भारत को करना पड़ेगा, दुनिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनमें भी भारत को कूदना पड़ेगा, मतलब अलग अलग तरह से मतलब इससे बहुत ज्यादा दुश्मन भी बनते हैं, तो ये सब तो भारत को करना पड़ेगा जैसा कि अमेरिका करता आ रहा है। तो वहीं पर हम बात कर लेते हैं इन दोनों पर जो फाइटर जेट ऑपरेट किए जाते हैं उनके बारे तो में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारत के INS विक्रांत के MiG-29K की। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे दुनिया के जो मतलब कि दूसरा सबसे बेस्ट जो एयरक्राफ्ट माना जाता है जो नेवी होती है उसके लिए, हालांकि राफेल MBE अब तो आ चुका है, तो उस हिसाब से फिर भी एक अच्छा एयरक्राफ्ट ये बनकर सामने आता है। और वहीं पर हम बात करें चाइना के शेनजियांग J-15 की, जो कि Sukhoi-33 का मतलब कॉपी किया है और ये एक फोर्थ जनरेशन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। और वहीं पर हम बात करें MiG-29 के क्रू की, तो ये अपने साथ एक या दो क्रू को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। लेंथ है इसकी 17.3 मीटर, विंग स्पैन है इसका 11.9 मीटर और हाइट है इसकी 4.4 मीटर। एम्प्टी वेट भी इसका 11,000 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी इसका 24,500 किलोग्राम है। इंजन की बात करें तो इसमें दो क्लीमोव RD-33M के इंजन लगे हैं, जिनकी जो थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर के साथ वो 88.3 किलो न्यूटन है। तो वहीं पर हम बात करें चाइना के शेंजियांग J-15 की, तो ये अपने साथ ये भी एक या दो क्रू को ऑपरेट करा सकता है और लेंथ है इसकी 21.9 मीटर, विंग स्पैन है इसका 14.7 मीटर, हाइट है इसकी 5.9 मीटर और एम्प्टी वेट है इसका 17,500 किलोग्राम। देखिए दोस्तों, एक हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट आप इसे कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और जो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 33,000 किलोग्राम और इंजन इसमें दो शेंजियांग WS-10 132 किलो न्यूटन के इंजन इसमें लगे हैं। तो वहीं पर हम बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं MiG-29K की स्पीड के बारे में, तो जो कि है 2,200 किलोमीटर पर आवर, रेंज है इसकी 2,000 किलोमीटर और फेरी रेंज है इसकी 3,000 किलोमीटर विद 3 ड्रॉप टैंक और 5,500 किलोमीटर ये जा सकता है 3 ड्रॉप टैंक्स के साथ और 1 एरियल रिफ्यूलिंग के साथ ये 5,500 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से हमला करने में सक्षम है। और सर्विस सीलिंग है इसकी 57,400 फीट और रेट ऑफ क्लाइंब है इसका 3,000 माफ कीजिएगा 330 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत अच्छा है। किसी भी मतलब समुद्र में इतनी अच्छे से इतना रेट ऑफ क्लाइंब देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है एक फाइटर जेट के लिए। और सर्विस सीलिंग की बात करें तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें भी ये बहुत ज्यादा बेटर है। और वहीं पर हम बात करें चाइना के शेंजियांग की, तो इसकी स्पीड है 2,409 किलोमीटर पर आवर और फेरी रेंज है इसकी 3,500 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग है इसकी 66,000 फीट, जो कि MiG-29 से ज्यादा है। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट के वेपन्स के बारे में। तो देखिए, जो भारत का MiG-29K है तो वो अपने साथ S-5, S-8 और S-24 रॉकेट को बड़ी आसानी से कैरी कर सकता है, अस्त्रा मिसाइल को भी बड़ी आसानी से अपने साथ कैरी कर सकेगा और साथ में इसमें 4 KH-31A और KH-35 और KH-31PNT शिप मिसाइल इसे कहते हैं और KAB-500 बॉम्ब भी अपने साथ कैरी कर सकता है। तो वहीं पर चाइना का जो J-15 है वो 8 अपने साथ PL-12 मिसाइल और साथ में वो ले जा सकता है अपने साथ R-77 और 4 ले जा सकता है PL-9 और PL-15 और R-73 मिसाइल और YJ-62, KH-41, YJ-91 ये अपने साथ मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, फाइटर जेट की क्वालिटी में अगर आप बात करें तो भारत के जो फाइटर जेट है उनका मतलब जो चाइनीज फाइटर जेट है उनके साथ कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जो भारत के पास वेपन्स है वे लगभग या तो ओरिजिनल क्वालिटी के हैं, वे भारत ने कॉपी करके नहीं बनाए हैं, जबकि चाइना के पास लगभग जितने भी वेपन्स हैं A to Z कॉपी करके बनाए हैं,
सिवाय उसने जो फाइटर जेट या मतलब जितने भी डिफेंस सिस्टम है वे रूस से खरीद रखे हैं, केवल वे ही उसके ओरिजिनल है, लेकिन उनको भी वो री इंजीनियरिंग करके उनको खोलता रहता है या अपनी तरफ से अपग्रेड करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसे में उन फाइटर जेट्स को भी बिगाड़ देता है। हालांकि ऐसा मतलब कि रूस अब बहुत ज़्यादा चाइना की इस हरकत से गुस्सा होने लगा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कितना ज़्यादा लॉस इससे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द एक क्यू एंड वीडियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मैं जल्द से जल्द आपको वो देने की कोशिश करूंगा। और साथ इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए, फटाफट से जाकर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।